हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल बीएस सिविल इंजीनियर में। दोस्तों आज हम पीसीसी के बारे में जानेंगे कि पीसीसी कराने से पहले क्या क्या कराना पड़ता है, हमारी बेड कैसे तैयार होती है, बेड का लेवलिंग कैसे करते हैं, पीसीसी को टॉप लेवल कैसे लगाते हैं, बॉटम लेवल कैसे लगाते हैं, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पीसीसी क्या होता है। PCC इज ए मिक्सर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट विच इज लैंड ऑन सॉइल सरफेस। PCC फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट का मिक्सर होता है कि जो कि सॉइल के सरफेस पे लैंड करता है। दोस्तों ये PCC का परिभाषा था, अब जानते हैं हम PCC कैसे करते हैं, PCC का बेड लेवल कैसे तैयार करें, एक्सवेशन कैसे कराएं, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जो अभी आप एरिया देख रहे हैं इसमें जो छोटा वाला हिस्सा है उसकी लंबाई 15.155 है और जो लंबा वाला हिस्सा है उसकी लंबाई 41.340 है। ये हमारा PCC का एरिया है। जो दोस्तों हमारा थिकनेस है PCC का वो 80 mm है, 80 mm है, 80 mm थिकनेस लेकर हम लोग को PCC करना है। तो दोस्तों अब देखिए हम इसका लेबलिंग कैसे किए हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो ईंटें हैं ये सब हमारे, इन ईंटों के ऊपर हम टॉप लेवल लगाए हैं। दोस्तों इसका टॉप लेवल लगाने का आसान तरीका ये है कि जो दो पार्ट है, जो आप इधर बत्ता देख रहे हैं राइट साइड में और जो आप लेफ्ट साइड में बत्ता देख रहे हैं, दोनों बत्तों के पास एक सरिया गड़वाइए और सरिये पे अपना लेवल दे दीजिए। फिर उस दोनों सरिये पे आप धागा बंधवाइए और बीच में जो आपका आ रहा है उसमें आप ईंटा लगवा दीजिए, वो आपका टॉप लेवल हो जाएगा। जब आप बॉटम देंगे तो बॉटम दोस्तों आप एक रो में 4-5 जगह दे दें, उसके हिसाब से पूरे जितने आपके एरिया है उसमें 20-25 जगह दे दें, जिसके हिसाब से आपके जो लेबर मिस्त्री हैं उसका ड्रेसिंग कर लें और आपका लेवल फाइनल हो जाए। जब दोस्तों आपका बॉटम और टॉप लेवल फाइनल हो जाएगा तब हम PCC के लिए ओके कर लेंगे। अब हमारी कंक्रीट आके PCC हो सकती है, अब हम कंक्रीट मंगा सकते हैं PCC के लिए। तो दोस्तों ऐसे करते हैं PCC का बॉटम और टॉप का लेवल। अब दोस्तों जान लेते हैं जब हमारी लेवलिंग हो जाती है तब इसमें कंक्रीट कैसे करवाते हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों जो PCC के लिए ग्रेड यूज हो रहा है इस ब्लॉक में वह M10 ग्रेड यूज किया जा रहा है। दोस्तों M10 का रेशियो होता है 1:3:6, एक जो है वो हमारा सीमेंट है और 3 जो है वो हमारा सैंड है और जो 6 बोरी है हमारा एग्रीगेट रहेगा। यानी हमारी 1 बोरी सीमेंट रहेगी, 3 बोरी सैंड रहेगी और 6 बोरी हमारा एग्रीगेट रहेगा। ये तो रेशियो के बारे में बात की है दोस्तों। दोस्तों अब जान लेते हैं कि जब PCC कराने जाएं आप तो कितने ऊपर से आप कंक्रीट गिरा सकते हैं। दोस्तों आप जब भी PCC कराने जाए तो आप 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से आप कंक्रीट नहीं गिरा सकते। अगर ज़्यादा हाइट से आप कंक्रीट गिराएंगे तो हमारा जो स्लरी होता है वो बाहर निकल जाएगा और जो हमारे एग्रीगेट होते हैं वो छिटक जाएंगे, आपके स्लरी से छिटक जाएंगे। तो इसके लिए आप 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊपर से आप कंक्रीट ना गिरवाइए। दोस्तों आज इस ब्लॉक में पूरी PCC कंप्लीट कर देनी है। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि जब PCC कंप्लीट हो जाती है तो उसके आगे का क्या प्रोसेस होता है, लेआउट कैसे होता है कॉलम का, कैसे कैसे पॉइंट लिया जाता है, सर्वेयर जो होता है वो कैसे पॉइंट देता है और उससे लेआउट कैसे किया जाता है, इस सब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वीडियो में गलत बोला है या कुछ गलत कहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगले वीडियो में उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।